तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम साइकिल में ब्रेक लाइट लगाने वाले हैं, जो कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि ठंडी का मौसम आ चुका है और फ्रेंड इस समय में एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिससे कि आपको अगर रात में कहीं पर भी जाना हो तो फ्रेंड अगर आपके साइकिल में जो कि ब्रेक लाइट रहेगी तो कोई भी अगर पीछे से बंदा आता तो समझ जाएगा कि आगे कोई खड़ा है, इसलिए वो अपनी साइकिल या गाड़ी को जो भी हो उसको धीमे कर लेगा, जिससे कि आप एक्सीडेंट होने से बच सकते हो। तो फ्रेंड वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है और इसको हमने काफ़ी ज़्यादा सरल तरीके से बनाया, जिससे कि आप इसको घर पर काफ़ी ज़्यादा आसानी से बना सकते हो। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक वायर लेना, जिसमें कि पतले पतले दो वायर यहाँ पे लगे हुए हैं। तो दोस्तों, अब हमें क्या करना है कि एक LED लेना है, जो कि आपको मार्केट में 5 रुपये में आसानी से मिल जाएगी। तो इसको देखिए, जो दोनों लगे हैं प्लस माइनस रुपये में, दोनों वायर को सोल्डर कर देना है। तो चलिए फटाफट हम कर लेते हैं। तो इसके बाद अब हमें यहाँ पे टेप लगा देना है, जिससे कि ये शॉर्ट ना करे दोनों आपस में सेट करके। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे रेड कलर की भी LED यूज़ कर सकते हो या जिस कलर की आपकी मन करे आप कर सकते हो। तो देखिए, दोनों पे हमने टेपिंग कर दिया है और अब देखिए जो साइकिल के पीछे कुछ इस तरह की जो लाइट आती है, तो यहाँ पर देखिए आपको पीछे खोल कर लेना, जो कि हमने पहले से कर लिया है। तो यहाँ पर जो LED है इसको कुछ इस तरीके से यहाँ से हम इसमें देखिए फिक्स करेंगे और इसका जो लेगा इस तरीके से इसको मोड़ देंगे दोनों को प्लस माइनस को, और यहाँ पर हम ग्लूगन की सहायता से इसको अच्छे से भर देंगे। तो आपको भी अच्छे से भर देना, जिससे बाद में निकले ना। और भरने के बाद अब हम चलिए इसको साइकिल में फिक्स करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम इसको साइकिल में फिक्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपको पीछे एक छोटा सा होल दिख रहा होगा, जिसमें से हम वायर को अंदर की तरफ निकालेंगे, जिससे कि बाहर से कोई देख ना पाए और इसको खींच ना पाए। तो इसको हमें क्या करना है कि इस तरीके से यहाँ पे होल में फिक्स कर देना है और इसके पीछे से हमें नट बोल्ट लगा करके अच्छे से टाइट कर देना है। तो चलिए, हम यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे एक वाशर लेंगे, जिससे कि इसका होल थोड़ा बड़ा है, जिससे कि नट बाहर निकल जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे और इसको आसानी से यहाँ पे फिक्स कर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा मस्त बनी, इसलिए वीडियो को कम्प्लीट वॉच करिएगा और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी प्रोजेक्ट होने वाला है। तो इसको देखिए हमने टाइट कर लिया है और इसको देखिए अब हमें क्या करना है कि वायर जो है उसको हमें देखिए लपेटते हुए कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें देखिए नीचे की तरफ चले आना है। आप चाहो तो इस पर टेप लगाकर सीधे से भी कर सकते हो, पर हम इसको लपेट देते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे आ चुके हैं और अब हमें क्या करना है कि इसमें से दोनों वायर उसको हमें देखिए अलग कर देना है दोनों भाई को, और बीच में से देखिए इसको क्या करना है कि एक वायर को हमें यहाँ पे कट कर देना है। तो इसको देखिए हम कट करके निकाल देते हैं और एक वायर जो है इसको हम साइड में भी रख देते हैं। अभी हमें इसका जो कि यूज बाद में पड़ेगा, तो इसको हम साइड में रख देते हैं और इसका जो देखिए एक वायर है उसको हमें यहाँ से छील देना है कुछ इस तरीके से। और इसको छीलने के बाद देखिए फिर हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो देखिए आपको इस तरीके का रॉड दिख रहा है, जो कि बैठने वाला कैरियर होता है उसका, देखिए तो फ्रेंड्स आपको जिसमें लगाना है जिसमें जंग ना लगाओ, आप किसी भी जो कि रॉड में या लोहे में लगा सकते हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लगा के इसको टाइट कर देते हैं। तो अब हम देखिए यहाँ पे इसको फिक्स करने के बाद थोड़ा सा टेपिंग कर देंगे, जिससे वायर इधर उधर ना जाए, उसी जगह पे फिक्स पड़ा रहे। तो आप भी किसी भी लोहे में लगा सकते हो जिसमें जंग ना लगी, उसमें आप इस तरीके से लपेट सकते हो। और देखिए वायर को भी हम इस तरीके से यहाँ पे टेपिंग कर देते हैं, जिससे कि वहीं पर फिक्स पड़ा रहे और टूटे ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक लोहे पे लगा देते हैं, जिससे कि हमारा एक फेस यहाँ से मिल जाएगा। और एक जो वायर इसको मैं देखिए कुछ इस तरीके से करके आगे तक लेके जाना है, तो हम देखिए इसको नीचे से यहाँ से कुछ इस तरीके से लोहे की सहायता से जल्दी जल्दी कर लेते हैं, जिससे कि आपको वीडियो में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और हम आपको जल्दी जल्दी करके दिखा देते हैं। और यहाँ पे देखिए फिर जो नीचे वाला ब्रेक है उसको हमें देखिए यहाँ से खोल करके बाहर की तरफ निकाल देना है। तो चलिए फटाफट हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड, इसी तरीके से आप किसी भी साइकिल में लगा सकते हो। तो हम यहाँ पे देसी जुगाड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसको निकाल दिया और यहाँ पे हमें देखिए थोड़ा सा कट लगा के थोड़ा सा गड्ढा टाइप का बना देना है, जो कि अभी हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो इसी तरीके से आपको छोटा सा गड्ढा कर देना है। तो अभी आपको पता चल जाएगा कि हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया है और करने के बाद हमने देखिए कुछ इस तरीके का जो एल्युमिनियम का पतला वायर आता है इसको हमें ले लेना है और इसमें से देखिए कुछ इस तरीके का टुकड़ा हमें बना लेना है, जो कि प्लास से मोड़ करके आप ऊपर की साइड का बना सकते हो। और यहाँ जो हमने गड्ढा किया था उसमें हमें क्या करना है कि फेविकिक को लगाना है और उसमें इसको देखिए आसानी से यहाँ पर चिपका देना है। तो इस तरीके से देखिए हम यहाँ पर मजबूती से चिपका देते हैं। तो इसको और मजबूती देने के लिए हमने यहाँ पे मिट्टी लगा करके फेविकिप से अच्छे चिपका दिया और एक वायर जो हमने पहले यहाँ पे देखिए आपको बताया था कि इसका यूज़ जो है कि बाद में पड़ेगा, उसको हमें यहाँ पे ले लेना है और इसमें देखिए कुछ इस तरीके से हमें इसको लपेट देना है। आप इसी तरीके से लपेट लीजिएगा और लपेटने के बाद हमें क्या करना है कि इसके ऊपर टेपिंग कर देना है, जिससे कि ये छूटे ना और इसी जगह पे फिक्स पड़ा रहे। आप यहाँ पे सोल्डरिंग भी कर सकते हो, तो हम यहाँ पे टेप कर देते हैं, जिससे अगर किसी के पास सोल्डर ना हो तो भी आसानी से बना सकता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हम इसको लगाएंगे और यहाँ पे नट की सहायता से इसको फिर से टाइट कर देंगे, जिस तरीके से हमने पहले यहाँ पे लगा हुआ था उसी तरीके से यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। तो इसको लगाने के बाद जो एक वायर बच रहा है उसको हमें देखिए इस तरीके से लाना है और यहाँ पे हमें दोनों वायर को कुछ इस तरीके से ला देना है और यहाँ पे हमें एक टेप लेना है और इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा देना है। तो दोस्तों, अब हम आपको अच्छे से दिखा देते हैं, जिससे कि आपको बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है
और यहाँ पे देखिए हमने इस तरीके से लगाया, जैसे कि आप ब्रेक मारोगे यहाँ पे देखिए जो लोहे वाला देखिए एलुमिनियम का वायर है वो आसानी से इसमें सट जाएगा। और यहाँ पे जो हमने वायर को देखिए जोड़ा था, ये दोनों जो वायर है आपस में टच हो जाएंगे, जिससे कि दोनों जब लोहे पे टच होंगे तो आसानी से हमारा जो LED ग्लो हो जाएगा। तो हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से हमने यहाँ पे इसको किया है। तो देखिए यहाँ पे दो वायर यहाँ पे छूटे हुए हैं, तो इनके दोनों वायर को देखिए हमें थोड़ा बड़े हैं तो उनको हमें कट करके यहाँ पे छील देना है। तो अब हमें यहाँ पे एक लिथियम आयन बैटरी लेना है और इसका जो प्लस है उसको प्लस में कर देना है और माइनस माइनस में कर देना है। तो आप यहाँ पे मोबाइल की बैटरी का भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी काफ़ी अच्छा है, ग्लो हो जाएगा। तो इसको देखिए दोनों को हमें कर देना है और हमने कुछ इस तरीके से टेप से इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया है और दोनों वायर पर हमने टेपिंग करके इसको अच्छे से यहाँ पे चिपका दिया है। आप भी यहाँ पे चिपका सकते हो। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम जैसे यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे और यहाँ पे देखिए जो लाइट है ग्लो हो रही है, तो हम आपको रात में भी दिखा देते हैं किस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। तो फ्रेंड आप देख सकते हो रात में कुछ इस तरीके से ब्रेक मारने पर दिख रहा है, जो कि आप देख सकते हो। तो फ्रेंड वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद।